नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग आज हिंदी का पार्ट वन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वर्णमाला में स्वर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम देखिए आपको स्पेशली टेट और सी टेट, ठीक है, इसके लिए स्पेशली टेट और सी टेट के लिए है, अन्यथा हिंदी तो सभी एग्जामों में काम में आएगा ये। ठीक है, मसेट या टीटेट सीटेट का इलाहाबाद की बेस्ट कोचिंग में कोचिंग करता हूँ। अपने नोट्स को चूँकि समय कम है, इसलिए समझा कर श्यामपट पे नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए मैं अपने नोट्स को स्कैन करके इसको आप लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर जिसको ठीक ठाक लगे तो पढ़ सकता है। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि इसमें आपका क्या रहेगा, 100% रहेगा और आपको समझाया भी गया रहेगा, आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी भाषा में देखिए, हम लोग एक तो भाषा व्याकरण पढ़ते हैं और एक भाषा साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर भाषा व्याकरण की शुरुआत की बात किया जाए तो हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि एक पुर्तगाली थे जिनका नाम क्या था, जान गेसुआ केकलर। क्या नाम था उनका, जान गेसुआ केकलर ने शुरुआत किया था। ठीक है, भाषा व्याकरण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और भाषा साहित्य यानी साहित्य की शुरुआत जो है फ्रांसीसी ने शुरुआत किया था। ठीक है, अब देखिए भाषा व्याकरण क्या होता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना या समझना, लिखना, ये भाषा व्याकरण के चार पहलू होते हैं। अगर ये चीज़ आपके अंदर है, पहले आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, उसके बाद सुनने के बाद बोलेंगे, और बोलने के बाद उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद तब क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी भी स्टूडेंट को ये चार चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसी हिसाब से उसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्याकरण क्या है, तो आपको ये बताना है सेम टू सेम यही चार पॉइंट जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन कैसे, शुद्ध शुद्ध सुनना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना ही व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण मतलब शुद्ध एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याकरण के देखिए तीन भाग होते हैं, कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे तीन, एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक वाक्य विचार। इसी वर्ण विचार को ही वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ण अगर आपसे पूछ लेगा कि वर्ण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि के लिखित रूप को, जैसे आप क बोले, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दिए, क को लिख दिए, यही आपका क्या हो गया, वर्ण है, यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण को कभी कभी अक्षर भी कहते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है सत्य नहीं है, हम आगे बताते हैं अभी कि वर्ण को अक्षर क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपको पता होगा कि ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने में किया जाता है, जबकि वर्ण का प्रयोग लिखने, पढ़ने और देखने में किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कोई कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला आप क्या बताएंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या बताएंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह के जगह आपको समुदाय भी लिखा मिल सकता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगर बात करें कि हिंदी में कुल कितनी अक्षर या वर्ड होते हैं, तो अंग्रेजी का दुगना यानी कुल मिला जुला के 52 जो होते हैं वर्ड होते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक को स्वर कहते हैं, एक को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड विचार, अब देखिए वर्ड विचार में एक तो स्वरूप आएगा, एक प्रकृति आएगी और एक उद्देश्य, यानी वर्ड विचार यानी वर्ड के विचार में आपको उसका स्वरूप जानना होगा, किससे, ध्वनि से, उसकी प्रकृति जाननी होगी किससे, वर्ड से,
और उसका उद्देश्य जानना होगा किससे, अक्षर से। यानी इन तीनों की अवधारणा का पता चल जाना ही वर्ण विचार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी इकाई अभी हमने बताया था कि ध्वनि है, और ध्वनि को ही लिख दीजिए, जैसे बोलिए का, और का को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तो वही क्या हो गया, वही हो गया आपका वर्ण, ठीक है। और वर्ण में हमेशा जानते हैं क्या लगता है, हलंत लगा रहता है, और इसी को अगर कर इस तरीके से लग दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। तो ध्वनि सबसे छोटा होगा, उसके बाद वर्ण होगा, और उसके बाद सबसे बड़ा अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वर्ण में दो अक्षर है और अक्षर में तीन अक्षर है, तो इससे भी आप पता पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि वर्ण और अक्षर दोनों एक नहीं होते हैं, क्यों, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं कि वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण अगर का हलंत लिखे हैं, क्या इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अक्षर को तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए का लिखा गया है, इसको अक्षर कहेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, का हलंत फिर आ लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, तो अक्षर को तोड़ा जा सकता है जबकि वर्ण को नहीं, इसलिए ये दोनों एक नहीं हैं, ठीक है। अंतर आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, भाषा व्याकरण की शुरुआत सर्वप्रथम जान गेसुआ केकलर के हिंदुस्तानी ग्रामर नामक ग्रंथ से होता है। यह एक पुर्तगाली था, यानी भाषा व्याकरण की बात हो रही है, भाषा साहित्य की बात नहीं हो रही है। तो भाषा व्याकरण की शुरुआत जो है, ये पुर्तगाली जब शुरू शुरू में आए थे, तो ये अपने आप को समझने के लिए, इनको हिंदी समझ में आता नहीं था, तो ये अपने आप को समझने के लिए जान गेसुआ केकलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से एक ग्रंथ लिखा। और भाषा क्या थी, पुर्तगाली ही भाषा में लिखा गया था, और ग्रंथ क्या था, हिंदी का, ठीक है। चलिए, व्याकरण का परिभाषा अभी हमने ऊपर दे दिया है कि जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना समझना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा जाता है, एक को वर्ण विचार, एक को शब्द विचार, और एक को वाक्य विचार कहते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। अब देखिए व्याकरण का आरोही क्रम, तो दोस्तों ये पाँचों आपको एकदम जुबानी रटना चाहिए, मतलब कभी कभी ये तीनों दे देगा, कहेगा आप आरोही क्रम में लगाइए, कभी ए तीनों दे सकता है, कहेगा आरोही क्रम में लगाइए, तो इसलिए आपको तीनों याद रहना चाहिए। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ध्वनि और दो वर्ण और तीन अक्षर वाला अक्षर, ये तीनों हमने पीछे पढ़ चुका है, इसलिए ये तीनों आपको याद हो जाना चाहिए कि ध्वनि सबसे पहले आएगा, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे निशान ऐसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन निशान हमको लगता है गलत हो गया है, ठीक है, तो आप लोग उतना समझ लीजिएगा। तो ध्वनि जो है सबसे छोटी है, उसके बाद वर्ण, उसके बाद अक्षर, ये तीनों आपको क्लियर होगा। वो अक्षर के बाद आपका शब्द आएगा, जैसे मान लीजिए का लिख दिए अक्षर है, का पे हलंत लिख दिए वर्ण है, अगर बोल दिए का को तो ध्वनि है। इसी में आप देखिए कमल लिख दिए, कमल लिख दिए तो शब्द हो गया, कमल लिख दिए तो शब्द हो गया। और उसके बाद वाक्य, मैं कलम या कमल का फूल लिया हूँ, कलम लिया हूँ, तो ये पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो इसको आपको इसी तरीके से पूरा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वर्ण विचार, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई बताइए, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि भाषा की सबसे लघुत्तम, अब देखिए सबसे लघुत्तम कहे चाहे सबसे छोटी, सबसे लगाए रहेगा, ठीक, तो सबसे छोटी क्या है, ध्वनि है। जबकि भाषा की छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई कहे तो उसे आप वर्ण कहेंगे। अब ध्वनि को बोला जाता है, लेकिन वर्ण को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे जो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो लिख नहीं पाएंगे वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे आपके ऑप्शन में आ गया कि भाषा की छोटी या लघुत्तम इकाई बताइए और वर्ण ऑप्शन में नहीं है, तो वर्ण के बाद वाले में जाएंगे, पहला हमने ध्वनि लिखा था, दूसरा वर्ण लिखा था, तीसरा अक्षर, अगर वर्ण नहीं है ऑप्शन में तो अक्षर वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है,
अब आगे देखते हैं, भाषा की सार्थक इकाई शब्द। ठीक, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। जैसे मान लीजिए शब्द का मतलब, जैसे कमल, इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये क्या है? शब्द है। तो सार्थक इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। अगर मैं कह दूँ कि मैं घर गया, मैं घर गया, तो ये आपका हो गया वाक्य। तो ये सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य हो गया, और सार्थक इकाई क्या हो गया? शब्द हो गया। ये भी हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्ड, वर्ड क्या होता है? वर्ड जो है दो भागों में बांटा गया है इसको, एक तो स्वर, एक व्यंजन। अब अगर आपसे पूछ लिया कि स्वर क्या है, तो आप बताएंगे स्वतंत्र ध्वनि स्वर है। और अगर आपसे पूछ लिया व्यंजन क्या है, तो परतंत्र ध्वनि जो है क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वर। तो स्वर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और एक होता है अयोग वाह। एक होता है मूल स्वर, एक होता है अयोग वाह। तो मूल स्वर में दोस्तों देखिए, अयोग वाह छोड़ दीजिए, अंग और अ के अलावा जितने भी हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या हैं? 11। ये सब मूल स्वर हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या हैं? मूल स्वर हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि अंग अ के बारे में, इनको तो स्वर में लिखा जाता है लेकिन ये स्वर नहीं है। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से स्वर नहीं है और ऑप्शन में अंग अ है, तो वही क्या है? सही है। ये अंग अ जो हैं, ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है और इसके अंतर्गत आ से लेकर अह तक के वर्ण आते हैं, परंतु स्वर को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें मूल स्वर और अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये चार पॉइंट आपके लिए रामबाण है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपसे कहेगा स्वरों की संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 11। कहाँ से कहाँ तक? आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक, औ अंग अ, तो औ तक जो है, आ से लेकर औ तक गिनेंगे तो 11 आएगा। अब देखिए, अगर कह दिया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, तो आ जो होता है ये मात्रा या नहीं होता है, तो इस आ को ही केवल अगर आप हटा रहे हैं, तो आपका माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 हैं। ठीक, तो यहाँ तक ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब स्वरों की कुल संख्या अगर लगा देगा, तो अयोग वाह वाला दोनों गिन लिया जाएगा। ठीक, तो कुल कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, और मात्रा के आधार पर स्वर की कुल संख्या, तो मात्रा में फिर यही आ कट जाएगा, तो 13 में से एक चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 12। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण या जिन का वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं, यानी बिना किसी अवरोध के। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि स्वर को, ठीक है, स्वर को अच भी कहते हैं। ठीक है, स्वर को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। एक चीज़ या आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और इसको देखिए, अनुस्वार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अयोग वाह में अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और आपको बता दें कि अयोग वाह को लेकर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13। ये हमने आपको बता ही दिया, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर को देखिए चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे चार भागों में बांटा गया है। कभी भी आ गया कि स्वर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो आपको बताना है चार भागों में किया गया है। पहला क्या है? उच्चारण या मात्रा के आधार पे। दूसरा क्या है? मुंह के आधार पे। तीसरा क्या है? जीभ के आधार पे। और चौथा क्या है? ओठ के आधार पे। तो सबसे पहले देखिए आप उच्चारण करना सीखेंगे, उसके बाद आप लोग कहाँ आएंगे?
मुंह में, और मुंह में जाएंगे तो जीभ पे आपको क्या मिलेगा, स्वाद मिलेगा, और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आएगा, होठ पे। तो इस तरीके से इन चारों को आपको याद रखना है। अब चलिए पहला देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। चूँकि प्लुत स्वर का यूज अब नहीं होता है, इसलिए प्लुत के जगह पे तीसरा अब हम लोग क्या लिखते हैं, संयुक्त स्वर लिखते हैं। तो एक, दो और तीन प्रकार के उच्चारण के आधार पे स्वर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर जो है, ह्रस्व माने होता है कम, और दीर्घ माने होता है ज़्यादा, और प्लुत माने होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन प्लुत का अब यूज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ह्रस्व स्वर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यहाँ पे कम लिखा गया है ना, तो सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं तथा इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनकी संख्या केवल और केवल चार है, और मूल रूप से स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, चार ही होती है, क्योंकि छोटा और छोटा आ को दो बार मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। यानी मूल रूप से स्वरों की संख्या केवल और केवल कितनी होती है, चार होती है। आ, ई, ऊ, री, ठीक है। जिसमें मात्रा नहीं होगा वही क्या होगा, ह्रस्व स्वर होगा। मतलब जिसमें बड़ा वाला चीज़ नहीं होगा, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जस्ट दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर मतलब ज़्यादा समय लग रहा हो, और ज़्यादा समय जिसके उच्चारण में लगेगा, यानी जो ह्रस्व स्वर है उससे दुगना समय लगभग लगेगा, उनकी संख्या जो है कुल मिला के कितनी है, सात है, ठीक है। दीर्घ की संख्या कितनी है, सात है। यानी जो ह्रस्व में नहीं है वो बाकी सब दीर्घ में है। ह्रस्व अगर आपको याद है तो बकिया सब किस में है, दीर्घ में है। आ, बड़ी, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और प्लुत में सबसे ज़्यादा समय जिसमें लगता है, जैसे ओम, या किसी भी शब्द को मान लीजिए आ है, आ आ आ आ आ, चार बार आ समय ज़्यादा ले लीजिए आ को बोलने में, ई है तो ई ज़्यादा समय ले लीजिए, तो उसे प्लुत कहते हैं, ठीक है। और ये दो उदाहरण हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं, ये प्लुत रिप्लेस वाई संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आता है, और देखिए सब में आ रहेगा, आ प्लस, आ प्लस, आ प्लस, ठीक है। आ में ई को मिला देंगे तो ए हो जाएगा, ठीक। आ में ई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आ में ए को मिला देंगे, आ में ए को मिला देंगे तो बड़ा वाला ए हो जाएगा। और आ में ऊ को मिला देंगे तो ओ हो जाएगा, और आ में ओ को मिला देंगे तो अ हो जाएगा। ये संयुक्त स्वर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आ तो सब में है, ठीक। आपको याद रखना है ई, और ई के बाद देखिए छोटा वाला ऊ, ठीक, ऐसे याद कर लेना है। और यहाँ पे याद करना है ए, और ए के बाद डायरेक्ट ओ, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लेना है, और आ में सभी को जोड़ देना है, आ प्लस ई, तो उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, इस तरीके से क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से स्वर कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से स्वर, अभी हमने बताया कि मुख्य रूप से या मूल रूप से स्वरों की संख्या केवल और केवल कितनी है, चार। आ, ई, ऊ, री, क्योंकि आ और आ में मिला देंगे तो बड़ा आ हो जाता है, ई में ई मिला देंगे तो बड़ी ई, ऊ में ऊ मिला देंगे तो बड़ा ऊ, री में री मिला देंगे तो बड़ी री। तो इस तरीके से केवल मुख्य रूप से चार स्वर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसको मिला दिए, आ में ई तो ए बन जाता है, और आ में अगर हम ऊ को मिला देंगे तो आ में ऊ को मिलाने के बाद ओ बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुंह के आधार पे, तो मुंह के आधार पे स्वरों के भेद जो होते हैं कितने होते हैं,
अब देखिए मुख के आधार पे चार भाग होते हैं, एक होता है विवित्र, एक होता है अर्धविवित्र, एक होता है संवित्र और एक होता है अर्धसंवित्र। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम मुख खुलता है इसमें और सबसे ज़्यादा मुख खुलता है विवित्र में। तो पहले नंबर पे, दूसरे पे अर्धसंवित्र और तीसरे पे अर्धविवित्र और चौथे में विवित्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए क्लियर कर देते हैं हम कि, ठीक है, आपको एक इसमें ट्रिक हम बताते हैं। देखिए विवित्र में सबसे ज़्यादा मुँह खुलता है तो आ, सबसे ज़्यादा विवित्र खुल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ याद रखना है विवित्र में, ठीक। और अर्धविवित्र एक होता है, ठीक। विवित्र में देखिए विवित्र में वृत्त आ रहा है, एक वृत्त अगर बनाएंगे तो बड़ा वाला बनता है, तो बड़ा वाला बनता है तो बड़ा वाला आ इसमें विवित्र में आएगा, ठीक है। अर्धविवित्र में देखिए, अर्धविवित्र में आपको याद कर लेना होगा, क्या याद करेंगे आप लोग, ए ई डबल ओ, ठीक है। और एक होता है अर्धसंवित्र, तो इसमें भी वही लिखेंगे ए ई डबल ओ, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ए ई डबल ओ लिख के इसमें से ए और ओ को काट देंगे, ठीक है, ए और ओ को काट देंगे। इसमें देखिए ए है ना, तो इसमें ए है तो देखिए ए के जगह पे क्या आएगा, ए मतलब आ आएगा, ए मतलब क्या आएगा, आ आएगा, और ई मतलब क्या आएगा, अ आएगा, और डबल ओ मतलब क्या आएगा, औ आएगा, ठीक है। तो डबल ओ से हम पता कर लेंगे कि इसमें जो मात्रा वाला है वो बड़ा मात्रा वाला है। अर्धविवित्र में सबसे पहले देखिए आ यहाँ पे आ रहा है, तो आ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ए भी आ रहा है, ठीक। तो अर्धविवित्र में ऐसे पकड़ेंगे, अर्धविवित्र में ए जरूर आएगा शुरू में, तो ए ई डबल ओ याद हो जाएगा। और ये जो डबल ओ है ये बड़ा वाले औ का है, यानी बड़े वाले मात्रा का है, तो ये जो इसके साथ में ए रहेगा ये भी बड़ा वाला मात्रा रहेगा। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए ई मतलब छोटा वाला ऐ और ओ मतलब छोटा वाला मात्रा, मतलब इसका छोटा रूप वाला यहाँ पे रहेगा अर्धसंवित्र में, ठीक है। और संवित्र मतलब लगातार, अगर संवित्र की बात करेगा तो संवित्र में सबसे कम मुँह खुलता है, सा से संवित्र, सा से सबसे कम मुँह खुलता है। तो अभी आप बोलिए ई ई उ ऊ री, इसमें देखिए सबसे कम और लगातार ई ई उ ऊ री आता है। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे विवित्र मतलब वित्र बनना और वृत्त जो है बहुत बड़ा बनेगा, यानी बड़ा वाला। उसके बाद इसमें आपको ए ई डबल ओ याद कर लेना है, और संवित्र में सबसे कम मुँह खुलता है, इससे आपको लगातार वाला याद हो जाएगा। और इसमें ए ई डबल ओ लिख के ए अंतिम वाला और शुरू वाला काट देंगे तो ए याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, जीभ के आधार पे, तो जीभ के आधार पे एक होता है अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पक्ष। तो देखिए जीभ के आधार पे आप बोलिए शुरू से अ अ अ अ बोलेंगे, देखिए मध्य में आपकी जीभ जाएगी, री री बोलेंगे तब भी मध्य में जाएगी। अब देखिए बोलिए ई ई ऊ मतलब ई ई ए ए, तो इसमें आपकी जीभ आगे आएगी। और पक्ष का मतलब आ, देखिए पीछे ऊ ऊ ओ ओ बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ओठ के आधार पे एकदम अंतिम वाला जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार देता है उसको ओठ बोलते हैं। तो ओठ मतलब एक होता है आवृत्तमुखी और एक होता है वृत्तमुखी, ठीक है। तो आवृत्तमुखी मतलब जिसमें आपका जो होठ है वो वृत्ताकार नहीं लेता है और इसमें वृत्त का आकार ले लेगा, ठीक है। तो देखिए आ आ ई ई ऊ मतलब आ आ ई ई री ए ऐ बोलेंगे तो आपका होठ जो है वृत्त का आकार नहीं लेगा, जिसे आप वृत्तमुखी कहते हैं। और वृत्तमुखी मतलब आपका होठ जो है वृत्ताकार हो जाएगा। बोल के देखिए ऊ ऊ ओ औ सब बोलेंगे तो आपका जो होगा होठ क्या लेगा, वृत्ताकार रूप ले लेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया कि आ का उच्चारण है, आ का बड़े वाले आ का उच्चारण है, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहली बात देखिए आप बताएंगे आ, आ मतलब क्या है,
आ मतलब है बड़ा वाला वृत्त यानी विवित्र, विवित्र है कि नहीं। अब देखिए होट के आधार पर देख लीजिए, आ आ मतलब आवृत्तमुखी है, मतलब वृत्त नहीं बनेगा तो आवृत्तमुखी है, ठीक। और आ जब बोलेंगे तो आ बोलने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप जो है, आ बोलने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये पक्ष है, पक्ष आ, आ बोलेंगे तो पक्ष मतलब पीछे आपकी जीभ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वर खत्म हो गया है, कल से व्यंजन शुरू होगा। धन्यवाद।